आज के इस टेक्नोलॉजी फ्रेंडली वर्ल्ड में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज काफी हाई डिमांड रखती है। ऐसे में अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पता ना हो तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर कोडिंग लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है और ये OOP हर जगह है, क्योंकि बहुत से कंप्यूटर प्रोग्राम्स और वेब का बहुत सारा कॉन्टेंट हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस पर ही बना हुआ है। इसीलिए आपको ये जान लेना चाहिए कि ये OOP एग्जैक्टली है क्या, ये क्यों जरूरी है, ये कैसे वर्क करती है, कौन सी लैंग्वेजेस OOP बेस्ड है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो अगर ये यूजफुल जानकारी आप लेना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो ऑब्जेक्ट है और यही OOP का कॉन्सेप्ट है। ये प्रोग्रामिंग के मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट्स में से एक है, लेकिन हम इसे समझने का ट्राई तो कर ही सकते हैं। ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखने का ऐसा तरीका है जिसमें ऑब्जेक्ट्स का यूज किया जाता है, और ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं डेटा और मेथड्स। ये ऑब्जेक्ट्स इंफॉर्मेशन का ऐसा कलेक्शन होता है जिसे सिंगुलर एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। इसमें प्री ऑब्जेक्ट्स के रूप में क्लासेस होती हैं, जिसमें एट्रीब्यूट्स की लिस्ट होती है। जब इन एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर दिया जाता है तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझते हैं, जिसमें चेस गेम की प्रोग्रामिंग करनी है। इसमें क्लास है पीस, और पीस में एट्रीब्यूट्स की एक लिस्ट है जिसमें कलर, हाइट, शेप और मूवमेंट अलाउड है। तो यहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट व्हाइट किंग है। इस ऑब्जेक्ट के पास चारों एट्रीब्यूट्स के लिए डेफिनेशंस है, यानी कलर व्हाइट, हाइट टॉल, शेप सिलिंड्रिकल और मूवमेंट अलाउड है। एनी नंबर ऑफ स्पेसेस इन एनी डायरेक्शन, इसमें मेथड्स और फंक्शंस भी ऐड हो सकते हैं, यानी ये कितना क्लियर है। और इस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि जावा डेटा और कोड को ऑर्गेनाइज करने का काम इतना आसान बना देती है कि ये प्रोग्रामिंग लॉन्गर प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा वर्सेटाइल साबित होती है। लेकिन ये OOP हमेशा से अवेलेबल नहीं थी, बल्कि पहले प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज की जाती थी, जिनमें प्रोग्रामर प्रोसीजर्स के ऐसे वेरी स्पेसिफिक सेट डिफाइन करता था जिसे कंप्यूटर समझता था। उस प्रोसीजरल लैंग्वेजेस ने एक लंबे टाइम तक काफी अच्छा परफॉर्म किया और कुछ तो अभी भी यूज हो रही है। लेकिन जब इससे एडवांस लेवल पर प्रोग्रामिंग करने की बात आई तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ी। और OOP के एडवांसमेंट को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग किन मामलों में OOP से पीछे रह गई। तो आइए जानते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग OOP के कंपैरिजन में कम सिक्योर होती है। ये स्ट्रक्चर या प्रोसीजर ओरिएंटेड होती है, ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें OOP की तरह इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। OOP में जहाँ इनहेरिटेंस फीचर का यूज करके कोड रीयूजेबिलिटी पॉसिबल है, वही प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में ये अवेलेबल नहीं है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में डेटा से ज्यादा फंक्शंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जबकि OOP में डेटा को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोप्रिएट नहीं है, और इसमें OOP की तरह डेटा हाइडिंग का कोई प्रॉपर वे नहीं है। ये सारे डिफरेंसेस देखकर तो यही लगता है कि OOP वाकई में एडवांस है। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि एल्गोल, कोबोल, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रेन और सी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल्स है, जबकि OOP के एग्जाम्पल्स में जावा, पाइथन, C++, C#, रूबी शामिल है, जो पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इनके अलावा पर्ल, ऑब्जेक्टिव सी, डार्ट, लिस्प, जावास्क्रिप्ट और PHP भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करती हैं। चलिए अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज के टाइम में OOP किस तरीके से यूजफुल, सिक्योर और एडवांस है। तो फिर आगे वीडियो में जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर, जिसमें ये सब शामिल होते हैं। सबसे पहला है क्लासेस। ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होती है जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के लिए ब्लूप्रिंट का काम करती हैं। दूसरा है मेथड्स। मेथड्स ऐसे फंक्शंस होते हैं जो क्लास के अदर डिफाइन होते हैं और ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिस्क्राइब करते हैं। तीसरा है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्लास टेम्पलेट में डिफाइन होते हैं और ऑब्जेक्ट के स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लास है rcar, मेथड है repaint और एट्रीब्यूट है color। इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चार मेन प्रिंसिपल्स होते हैं, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इनकैप्सुलेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स दूसरे ऑब्जेक्ट से प्राइवेट और सेफ रखे जाते हैं। हर ऑब्जेक्ट में प्राइवेट और पब्लिक वेरिएबल्स और मेथड्स मिलते हैं। प्राइवेट वेरिएबल्स और मेथड्स को दूसरे ऑब्जेक्ट्स यूज नहीं कर सकते, जबकि पब्लिक वेरिएबल्स और मेथड्स को यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, रोल प्लेइंग कंप्यूटर गेम जिसमें हीरो के पास बहुत से वेरिएबल्स हैं, जैसे नेम, आउटफिट, हेयर कलर, स्किन कलर, और उसके पास मेथड्स है अटैक, वॉक, रन, टॉक। ये सब प्राइवेट वेरिएबल्स और मेथड्स हैं जिन्हें गेम के दूसरे ऑब्जेक्ट्स मॉडिफाई नहीं कर सकते।
हीरो के पास कुछ पब्लिक वेरिएबल्स और मेथड्स भी हैं, जैसे वेरिएबल हेल्थ और मेथड डैमेज। इन्हें एनिमी चेंज कर सकता है जब वो हीरो पर अटैक करेगा। दूसरा प्रिंसिपल है एब्स्ट्रैक्शन। इसे एनकैप्सुलेशन का एक्सटेंशन भी समझा जा सकता है, और क्योंकि प्रोग्राम्स कोड की हजारों लाइंस की वजह से बहुत बड़े हो जाते हैं, जिससे डिफिकल्टी होती है, और उस डिफिकल्टी को एब्स्ट्रैक्शन कुछ कम कर सकता है। इसमें ऑब्जेक्ट्स केवल वही इंटरनल मैकेनिज्म रिवील करते हैं जो अदर ऑब्जेक्ट से रेलेवेंट है, और अननेसेसरी कोड इम्प्लीमेंटेशन को अवॉइड करते हैं। जैसे ऊपर हमने जिस गेम एग्जाम्पल की बात की, उसमें हो सकता है कि अटैक मेथड में कोड की बहुत सारी लाइंस हो, लेकिन इसे इस तरीके से स्पेसिफाई किया जा सकता है कि हीरो पर अटैक कैसे हुआ और उस अटैक का हीरो की हेल्थ पर क्या असर पड़ा। एनिमी ऑब्जेक्ट को ये जानने की जरूरत नहीं है कि अटैक कैसे काम करता है, बल्कि उसके लिए इतना जानना ही काफी है कि अटैक वर्क करता है और उससे हीरो की हेल्थ रिड्यूस होती है। इस तरह कोड को बहुत ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस। प्रोग्राम्स में मौजूद कोड की हजारों लाइंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट हो जाती है, और ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब दो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हों जो कुछ कोड या लॉजिक शेयर करते हों। ऐसे में अगर हर ऑब्जेक्ट के लिए ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए तो उससे ज्यादा कोड और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। इससे बचने के लिए ही इनहेरिटेंस का यूज होता है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट से लॉजिक एक्सट्रैक्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट को दिया जाता है, जिससे एक्सट्रैक्ट किया वो पेरेंट ऑब्जेक्ट और जिसे दिया वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, गेम में हमारे पास एनिमीज की वैरायटी हो सकती है, और ये सारे एनिमीज पेरेंट एनिमी ऑब्जेक्ट के चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इनके पास कुछ सिमिलर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी होंगे, जैसे डिफरेंट आउटफिट और वेपन। ऐसा करके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स कुछ कोड शेयर भी कर लेंगे और कुछ डिफरेंट भी होंगे। इससे बहुत ज्यादा लंबी कोड लाइंस की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और अब आता है चौथा प्रिंसिपल, पॉलीमॉर्फिज्म। चाइल्ड कहाँ पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं? बस यही प्रॉब्लम कोडिंग में भी आ सकती है, जब चाइल्ड मेथड को डिफरेंट वे में इम्प्लीमेंट करना चाहे। ऐसे में पॉलीमॉर्फिज्म वो रास्ता निकालता है जिसके जरिए एक ऑब्जेक्ट को बिल्कुल उसके पेरेंट की तरह यूज किया जा सके, लेकिन उसके मेथड्स अलग हों। जैसे एक व्हीकल ऑब्जेक्ट है, इसका यूज करके हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स जैसे कार, ट्रक और मोटरसाइकिल बना सकते हैं। अब अगर व्हीकल के पास मेथड है स्टार्ट, तो इस स्टार्ट मेथड को हर चाइल्ड ऑब्जेक्ट डिफरेंटली इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसी तरह गेम में हर एनिमी के पास अटैक मेथड है जो उन्हें पेरेंट से मिला है, लेकिन हर कोई उसे अपने तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है। तभी तो हर एनिमी एक ही तरीके से अटैक नहीं करता। तो इस तरीके से इन चार प्रिंसिपल्स को समराइज करें तो, इनकैप्सुलेशन यानी ऑब्जेक्ट्स के अंदर रिलेटेड वेरिएबल्स और मेथड्स को स्टोर रखता है और उन्हें प्रोटेक्ट करता है। एब्स्ट्रैक्शन ऑब्जेक्ट की इनर वर्किंग्स को हाइड रखता है जब उन्हें देखना अननेसेसरी हो। इनहेरिटेंस यानी चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स को पेरेंट ऑब्जेक्ट से एट्रीब्यूट्स यूज करने की परमिशन देता है, और पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट्स को मेथड्स डिफरेंटली यूज करना अलाउ करता है। और अब बारी आती है प्रोज एंड कॉन्स की, तो पहले बात करते हैं OOP के प्रोज की। इस प्रोग्रामिंग में पैरेलल डेवलपमेंट होता है, यानी एक प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट सेपरेटली डेवलप हो सकते हैं, और इस दौरान ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स के अंडर फंक्शंस भी कर सकते हैं। इससे लार्ज डेवलपमेंट टीम्स के लिए डेवलपमेंट काफी आसान हो जाता है। इसमें कोड मेंटेन करना काफी आसान है, ये बहुत ही सिक्योर है, और ये एप्लीकेशन को ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस में ब्रेक कर देती है, जिससे एप्लीकेशन को ज्यादा मॉड्यूलर स्ट्रक्चर मिलता है। मॉड्यूलर कोड पढ़ने में आसान रहते हैं, और इन्हें मेंटेन करना भी इजी होता है। ये इजीली अपग्रेडेबल और इसकी प्रोडक्टिविटी हाई है, क्योंकि प्रोग्राम्स मल्टीपल लाइब्रेरीज और रीयूजेबल कोड का यूज करके न्यू प्रोग्राम्स क्विकली बना सकते हैं। ये काफी फ्लेक्सिबल भी है। और अब पता करें इसके कॉन्स की, तो डेवलपर्स के अकॉर्डिंग OOP सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के डेटा कंपोनेंट पर ज्यादा एम्फेसाइज करती है, और कंप्यूटेशन या एल्गोरिदम्स पर इनफ फोकस नहीं करती। OOP कोड लिखने में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, और इसे कंपाइल करने में ज्यादा टाइम लग सकता है। ये लैंग्वेजेस अदर लैंग्वेजेस जितनी ट्रांसपेरेंट नहीं है। OOP लैंग्वेजेस बहुत ही मॉड्यूलर और स्केलेबल होती है, इसीलिए बिना क्लियर डिजाइन के इसे शुरू करना डिजास्टर बन सकता है। यानी इसमें एक एफिशिएंट प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए सॉलिड प्लान होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसी के साथ OOP की ये बेसिक जानकारी पूरी हुई, और अब आपके पास OOP से जुड़ी ऐसी सभी बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट जानकारियां आ गई है, जिनकी हेल्प से आप समझ गए होंगे कि ये OOP क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, और इसे यूज करने से क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटरेस्टेड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और हमें कमेंट करके भी बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा।
साथ ही साथ आगे किसी और बारे में जानना चाहते हैं, कोई और टॉपिक है तो वो भी लिख भेजिए। और नए लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसी जानकारियां हमेशा पाने के लिए। रूबी आपसे अभी के लिए कहेगी धन्यवाद। जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ।